पुनर्बार दिदीर दुर्गत हिमंत विश्व शर्मार गर्जन শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। बंगर पवित्र भूमि कलुषित करिसे মমতাই दिदीर दुर्गत हिमंत विश्व शर्माय गर्जन दी कैसे बंगर जी पवित्र भूमि आसे সেই पवित्र बंगर भूमिक कलुषित करि তুলিছে মমতা বেনার্জী। एकमात्र चकीर भूक आसे हेनो মমতা বেনার্জী। বিবেকানন্দৰ ভূমিত শাহজাহানক হপি দিছে দিদিয়ে। বিবেকানন্দৰ ভূমিত শাহজাহানক আনিছে মমতা বেনার্জী। आज ये दुख का बात है कि आज आप ये बांग्ला का भूमि को शेख शाहजहान का हाथ में सौंप दिया। क्या फायदे सीएम का कुर्सी, ये सीएम का कुर्सी कब तक रहेगा? एक दिन बिना कपड़ा हम आया हो और बिना कपड़ा जाना पड़ेगा, यही हमारा तकदीर में लिखा हुआ है। ये कुर्सी मेरा साथ नहीं जाएगा, लेकिन इतिहास आपको देखेगा कि आप ये पवित्र बांग्ला का भूमि को, विवेकानंद जी का भूमि को अपने शेख शाहजहान का भूमि बना के रखिए। इतिहास में इतिहास किसी को माफ नहीं करते हैं। आप मत भूलिए, हिंदू और भारत कभी भी दुर्बल नहीं थे। जब भारत का भाग्य में औरंगजेब था, उस समय भी भारत ने छत्रपति शिवाजी को भी जन्म दिया था। जब भारत में औरंगजेब थे, तब भी गुरु गोविंद सिंह थे। जब औरंगजेब थे, उस समय भी भारत में लाचित बरफुकन थे। ममता जी आप सुन लीजिए, हिंदू ये भारत में थे, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप सुन लीजिए, हम रहे ना रहे, ये भारत में हिंदू है, हिंदू रहेगा। आप हिंदू को दबा नहीं सकते। बंगर पवित्र भूमि कलुषित करिसे মমতাই। दिदीर दुर्गत हिमंत विश्व शर्माय गर्जन दी कैसे बंगर जी पवित्र भूमि आसे সেই पवित्र बंगर भूमिक कलुषित करि তুলিছে মমতা বেনার্জী। एकमात्र चकीर भूक आसे हेनो মমতা বেনার্জী। বিবেকানন্দৰ ভূমিত শাহজাহানক হপি দিছে দিদিয়ে। বিবেকানন্দৰ ভূমিত শাহজাহানক আনিছে মমতা বেনার্জী। আজ এ दुख का बात है कि आज आप ये बांग्ला का भूमि को शेख शाहजहान का हाथ में सौंप दिया। क्या फायदे सीएम का कुर्सी, ये सीएम का कुर्सी कब तक रहेगा? एक दिन बिना कपड़ा हम आया हो और बिना कपड़ा जाना पड़ेगा, यही हमारा तकदीर में लिखा हुआ है। ये कुर्सी मेरा साथ नहीं जाएगा, लेकिन इतिहास आपको देखेगा कि आप ये पवित्र बांग्ला का भूमि को, विवेकानंद जी का भूमि को अपने शेख शाहजहान का भूमि बना के रखिए। इतिहास में इतिहास किसी को माफ नहीं करते हैं। आप मत भूलिए, हिंदू और भारत कभी भी दुर्बल नहीं थे। जब भारत का भाग्य में औरंगजेब था, उस समय भी भारत ने छत्रपति शिवाजी को भी जन्म दिया था। जब भारत में औरंगजेब थे, तब भी गुरु गोविंद सिंह थे। जब औरंगजेब थे, उस समय भी भारत में लाचित बरफुकन थे। ममता जी आप सुन लीजिए, हिंदू ये भारत में थे, हिंदू है और हिंदू रहेगा। आप सुन लीजिए, हम रहे ना रहे, ये भारत में हिंदू है, हिंदू रहेगा। आप हिंदू को दबा नहीं सकते हो।